और हम इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत की मौत के बाद कैमरे पर पहली बार रिया चक्रवर्ती का बयान सामने आया है। रिया चक्रवर्ती ने रोते हुए कहा है, सत्यमेव जयते, ज्यादा कुछ रिया ने नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है कि मामला कोर्ट में है और इसीलिए वो चुप है। हम आपको बता दें कि सुशांत मौत मामले में वो सवालों के घेरे में है। आई हैव इमेंस फेथ इन कोर्ट एंड द जुडिशरी। आई बिलीव दैट आई विल गेट जस्टिस, इवन दो अ लॉट ऑफ हॉरिबल थिंग्स आर बीइंग सेड अबाउट मी इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माय लॉयर्स एज द मैटर इज सब जुडिस। सत्यमेव जयते, द ट्रूथ शैल प्रिवेल। आई हैव इमेंस फेथ इन कोर्ट एंड द जुडिशरी। तो पहली बार रिया चक्रवर्ती पूरे सुशांत मामले में उंगली उठने के बाद अब सामने आई है। रिया ने रोते हुए कहा, सत्यमेव जयते, ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि मामला कोर्ट में है इसलिए चुप हूं। एक बार फिर सुनिए रिया चक्रवर्ती का ये बयान। आई हैव इमेंस फेथ इन कोर्ट एंड द जुडिशरी। आई बिलीव दैट आई विल गेट जस्टिस, इवन दो अ लॉट ऑफ हॉरिबल थिंग्स आर बीइंग सेड अबाउट मी इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माय लॉयर्स एज द मैटर इज सब जुडिस। सत्यमेव जयते, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall... तो रिया चक्रवर्ती को आपने सुना, उनका यही कहना है, सत्यमेव जयते, मुझे न्याय मिलेगा मीडिया में क्योंकि मेरे बारे में बातें कही जा रही है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये पूरा जो मामला है कोर्ट में है इसलिए मैं चुप हूं, मामला कोर्ट में है मैं चुप हूं। ये एक बड़ी बात रिया चक्रवर्ती ने कही है। रिया चक्रवर्ती ने सत्यमेव जयते कहा है, यानी सत्य की जीत होगी, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती पहली बार सामने आई है कैमरे पर।